हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रिशूज ब्लॉग्स में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है कि प्रेगनेंसी में अगर आपको बहुत ही ज्यादा कब्ज की दिक्कत है, आपकी पॉटी बहुत ज्यादा टाइट पास होती है, मतलब स्टूल बहुत ज्यादा टाइट पास होता है और दो दो तीन तीन चार दिन तक आपको पॉटी नहीं आती, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए और ऐसी दिक्कत होने से क्या क्या होता है, मतलब कि आपकी प्रेगनेंसी पर क्या क्या असर पड़ता है और आपकी डिलीवरी पर भी क्या क्या असर पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ये प्रॉब्लम ऐसी है कब्ज और स्टूल पास ना होने की सभी प्रेग्नेंट लेडी के साथ होती है कि कुछ कारण होते हैं, जैसे हार्मोन डिसबैलेंस हुआ, जब घर में बच्चे का विकास बढ़ने लगता है तो क्या होता है कि जो हमारे इंटरनल पार्ट्स होते हैं वो अपनी अपनी जगह शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिस वजह से भी जो आपका डाइजेशन सिस्टम होता है वो वीक पड़ जाता है, जिस वजह से जो भी आप खाते हैं वो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिस वजह से भी आपको कब्ज की दिक्कत होने लगती है, मतलब पॉटी टाइट आने लगती है या एक दो दिन छोड़ के आपको स्टूल पास होता है। साथ ही अगर ये दिक्कत आपको 8वें-9वें महीने में है, आपको लेवर पेन में भी देरी हो सकती है, साथ में क्या होगा कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी में भी परेशानी आ सकती है, बच्चा आपका हेड डाउन नहीं करेगा समय पर, ऐसे में आप बिल्कुल मत घबराइए। मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिससे कि आपकी जो कब्ज की दिक्कत है, मतलब कि आपका पेट ठीक तरीके से साफ नहीं होता है, तो आप क्या करें उसके लिए जिससे कि आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके से और भी वीडियो देखने के लिए, और घंटी को जरूर दबा लीजिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टिप्स है फ्रेंड्स इसके लिए कि आपको सुबह उठकर आदत डाल लेनी है कि आपको हल्का गुनगुना पानी पीना ही पीना है। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि खाली वाटर पीना है या हनी डाल के पीना है या लेमन डाल के पीना है, तो फ्रेंड्स आप लेमन डाल के पी सकते हैं, हाफ लेमन, या फिर आप हनी डाल के भी पी सकते हैं, जैसे आपको टेस्ट अच्छा लगता हो वैसे पी सकते हैं। लेकिन अगर ये दिक्कत आपको बहुत ज्यादा है, डेली आपको स्टूल पास नहीं होता है, डेली आपका पेट साफ नहीं होता है, तो आप क्या करें, हाफ ग्लास गुनगुना पानी लें, उसमें आधा चम्मच या एक चम्मच आप घी का डाल लीजिए, उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और चाय की तरह आपको सिप सिप करके उस पानी को पीना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका इजिली स्टूल पास हो जाएगा, मतलब कि आपका पेट साफ हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपका प्रेगनेंसी में हाई बीपी रहता है तो आपको फिर घी वाला टिप्स ट्राई नहीं करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। आप ऐसे ही गुनगुने पानी में हनी या लेमन डाल के पी सकते हैं। दूसरा टिप्स है इसके लिए आपको क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, जैसे गर्मियां आ गई हैं, खीरा आएगा, टमाटर आएगा, तो आप क्या करें कि खीरा टमाटर है, मूली है, सलाद ज्यादा लें। सलाद आपको कैसे, लंच में भी आपको सलाद लेना है और डिनर में भी आपको सलाद लेनी है, मतलब दोपहर के खाने में और शाम के खाने में सलाद का यूज आपको जरूर करना है। खाना रोटी थोड़ी सी कम खा ली, दो तीन रोटी खा ली, लेकिन साथ में सलाद जरूर खाइए, एक प्लेट भर के आपको सलाद जरूर खाना चाहिए। आपको प्याज पसंद है तो आप प्याज भी सलाद में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे भी आपको सलाद पसंद है वैसे आप खाइए, लेकिन सलाद जरूर खाइए। और इसके साथ ही अपने लंच में आप एक कटोरी दही जरूर लीजिए, दोपहर के खाने में एक कटोरी दही जरूर लेते रहिए, इससे भी आपकी जो कब्ज की दिक्कत है वो खत्म हो जाएगी, दूर हो जाएगी और आपको डेली स्टूल पास होने लगेगा, मतलब कि डेली आपका पेट साफ होने लगेगा। इसके साथ ही आपको ज्यादा से ज्यादा फलों का सेवन करना चाहिए, गर्मियां हैं, जितने भी फल आ रहे हैं, मैं जैसे कि वीडियो में बताती रहती हूँ कि जितने भी सीजनेबल फल होते हैं आपको सारे फलों का सेवन करना चाहिए। गर्मी आ रही है, बहुत से फल आने वाले हैं, वाटरमेलन, मस्क मेलन, ज्यादा से ज्यादा जब हम फ्रूट्स या जूस का सेवन करेंगे तो भी ये कब्ज की दिक्कत दूर भाग जाएगी, आपको कब्ज की दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद तीसरा टिप्स और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स जो है कि आपको पानी की कमी नहीं होने देना है। दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी आपको डेली पीना है, चाहे आपसे पीते बने या ना बने, पानी आपको जरूर पीना है। गर्मियों का टाइम आ गया है, अगर आप पानी नहीं पियेंगे तो बहुत सी दिक्कत आपकी प्रेगनेंसी में भी हो जाएंगी, इसीलिए पानी खूब पिए जिससे कि गर्भ में पानी की कमी ना हो। पानी की कमी होने से बहुत रिस्क हो जाते हैं प्रेगनेंसी में, इसीलिए पानी की कमी ना होने दें। इसके बाद चौथा टिप्स है, डेली आपको वॉक जरूर करना है।
वॉकिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। वॉकिंग करेंगे तो क्या होगा, आपकी जो मसल्स है वो एक्टिव रहेंगी, साथ में बेबी भी अच्छे से मूवमेंट कर पाएगा और अपनी हेड डाउन पोजीशन में आ पाएगा और आपका डाइजेशन सिस्टम भी सही रहेगा। जो भी आप खा रही हैं उसको डाइजेस्ट होने में हेल्प मिलेगी। इसीलिए सुबह और शाम 30-30 मिनट्स की वॉक आप जरूर करें। वॉकिंग आप कहीं भी कर सकते हैं, अपने घर में कर सकते हैं, अगर आपके आसपास पार्क है तो पार्क में कर सकते हैं, छत पे कर सकते हैं, जहां भी आप कंफर्टेबल हैं वहां आप वॉकिंग कर सकते हैं। खाने के बाद स्पेशली 5 मिनट के बाद वॉकिंग जरूर करें, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद तो अपनी एक टाइमिंग रखनी चाहिए कि टाइम पर आपको फ्रेश होने जाना है। टाइम ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस टाइम हैबिट होती है ना उसी टाइम पेट साफ होता है। टाइमिंग बनी रहती है और रूटीन गड़बड़ नहीं होता है, जिस वजह से ये दिक्कत नहीं होती है। अगर आपका टाइम टेबल सही है तो फिर आपको ऐसी दिक्कत कम फेस करनी पड़ेगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि खाना लिमिटेड क्वांटिटी में ही खाना चाहिए, रात के टाइम आपको लिमिटेड ही खाना चाहिए। दिन में आप अच्छे से पेट भर के थोड़े थोड़े गैप में खा सकती हैं कुछ ना कुछ, लेकिन रात में लाइट खाना ही आपको लेना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट टिप्स, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टिप्स भी है, वो है आपको ज्यादा टाइम तक राइट करवट लेके नहीं सोना चाहिए। जैसे कि आपने खाना खाया और आप गए बिस्तर पे और राइट करवट लेके लेट गए, मतलब दाएं करवट लेके लेट गए। दाएं करवट लेके लेटने से भी ये दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ती है। दाएं तरफ क्या होता है कि हमारा लीवर होता है, अब दाएं तरफ लेट जाती हैं तो लीवर पर दबाव पड़ता है, जिस वजह से जो भी खाना आपने खाया है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिस वजह से आपको कब्ज की दिक्कत होती है। इसीलिए प्रेगनेंसी में अपने सोने की पोजिशन पे स्पेशली ध्यान देना चाहिए। राइट करवट लेके आपको ज्यादा टाइम नहीं सोना चाहिए। जब खाना खा के तुरंत बाद आप सोने जाते हैं तो आपको लेफ्ट करवट लेकर ही लेटना चाहिए। उसके बाद रात में आप करवट चेंज कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत आपको लेफ्ट साइड करवट से ही करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे और आसान टिप्स हैं जिनको आप अपनाकर अपनी कब्ज की दिक्कत को खत्म कर सकती हैं, मतलब पेट साफ नहीं होता है उस दिक्कत को आप कम कर सकती हैं। इसीलिए इन टिप्स को आप जरूर अपनाइएगा, इन टिप्स को अपनाने से कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। तो आई होप फ्रेंड्स आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा कारगर होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चेक कर लीजिए, नीचे जो रेड कलर का बटन है वो ग्रे हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, लेती हूँ आप सबसे विदा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।